गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जो 12th क्लास की आरबीएससी की अपने बुक का अपने जो चल रही थी आगे पढ़ा रहे थे, अब आगे के क्रम में हमने जो अपने क्लास 11वीं की आरबीएससी की पुस्तक चलती है अपने विश्व का इतिहास, इसका अपने आज इंट्रो क्लास है जिसमें अपन इस पूरी पुस्तक का सामान्य परिचय लेंगे। मुख्य मुख्य बातें क्या क्या है अपने इस पूरी किताब में दी गई है और क्या पढ़ेंगे वो सारी इसमें जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्लास 11 की विश्व का इतिहास, अपने अभी थोड़े समय बाद चल रही थी कि कोर्स चेंज होने वाला है, तो फिलहाल इस 2021 के सिलेबस में कोर्स चेंज नहीं होगा क्योंकि सरकार द्वारा 11 क्लास को आगे मतलब इतिहास में वैसे चेंज भी क्या कर सकते हैं, लेकिन इस बार चेंज होने वाला नहीं है। इस साल यही अपने किताब पुस्तक चलेगी विश्व का इतिहास। तो इसमें टोटल अपने कितने पार्ट दे रखे हैं, 7 पार्ट दे रखे हैं और इसी 7 पार्टों में जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों कालों को कालक्रम को साथ में लेते हुए इस किताब की बहुत अच्छे तरीके से रचना की गई है और इस पूरा जो 7 पार्टों में पूरे विश्व का इतिहास है जो शामिल है। तो इसमें अपने 3 कालक्रम में मुख्य रूप से भागों में बांट सकते हैं। इसमें एक तो है प्राचीन काल, फिर आता है अपने मध्यकाल और फिर आता है अपने आधुनिक काल। तो किस किस घटनाक्रम के बाद में क्रमिक रूप से जो पूरी किताब है जो अपने 11 क्लास की व्यवस्थित दे रखी है, एक घटना के बाद दूसरी घटना का उससे इंटरलिंक दे रखा है, तो इसको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आती। थोड़ा अपन को लगता है कि भाई विश्व इतिहास टफ है, तो ऐसा नहीं है। विश्व इतिहास भी अपने भारतीय इतिहास की तरह है क्योंकि वहाँ के अपने नाम सुने हुए नहीं होते हैं, इसलिए वो थोड़ा अपन को टफ लगता है। लेकिन 1-2 बार 3-4 बार इसको रिविजन करते हैं तो ये नाम भी अपन को याद हो जाते हैं और फ्लो में बन जाता है। जैसा अपने भारत का इतिहास था उसी के अनुरूप विश्व का इतिहास है। थोड़ा नाम वगैरह किस प्रकार से क्या है वो अपन इसमें सारे देखेंगे। तो टोटल 7 पार्ट हैं जिसमें अपने पहला पार्ट दे रखा है विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो सभ्यता का मतलब जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से वहाँ पर मनुष्य है जो अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है और कैसे एक समूह के रूप में अपना जीवन यापन करता है, वो सारी जो रीति रिवाज वगैरह है वो सारे इसमें आ जाएंगे सभ्यता में। तो अपन किताब के माध्यम से देख लेते हैं पहले पार्ट में मुख्य मुख्य रूप से क्या बातें दे रखी है। तो इसमें पहले पार्ट में अपने विश्व की प्रमुख सभ्यता है पार्ट का नाम, और सभ्यता जो अपने नाम तत्कालीन समय की सभ्यता बात करें तो मिस्र की सभ्यता, आपने देखे होंगे कहीं वीडियो में वगैरह भी मिस्र के बहुत बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं, तो वो किस प्रकार से उनका कालक्रम था वो है। इसके अलावा बात करें यूनान की सभ्यता की, अपने इसके रोम की सभ्यता की, बेबीलोनिया की सभ्यता की और चीन की सभ्यता की जिसमें चीन की दीवार वगैरह है, और भारत की सभ्यता जो अपन ने जो आगे की तुम 12th क्लासों में पढ़ोगे विस्तार से, हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो तत्कालीन समय की सभ्यताओं में जब मैं इसमें टॉपिक वाइज ही लेते हैं तो पहला है विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में पहला अपने टॉपिक है आदि मानव का इतिहास, यानी मनुष्य की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, पृथ्वी के निर्माण के बाद जो जल सजीव बने जल में रहने वाले, फिर वो स्थल वाले जीव बने, फिर स्थल और जल दोनों में रहने वाले जीव बने, और फिर धीरे धीरे अपने आदि मानव जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, मानव के पूर्व माना जाता है कि बंदर से मानव का उत्पन्न हुआ है, तो कैसे होमो सेपियंस बने जैसे चिंपांजी वगैरह, तो उनसे आगे जाकर अपने इसमें भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मंगोलाइड वगैरह। तो इस प्रकार से मानव का विकास क्रम कैसे होता है, शुरुआत में मानव गुफाओं में रहता है, फिर गुफाओं से निकलकर अपने नदियों के किनारों पर रहना शुरू करता है, शुरुआत में भोजन का संग्रहण करता है, खेती करना तो जानता नहीं था तो पेड़ों से वगैरह कंदमूल प्राप्त करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, शुरुआत में अकेले जाते थे लेकिन जब उनको असुरक्षा महसूस होने लगी तो सुरक्षा के लिए समाज में रहना शुरू किया, और फिर उन्होंने वहाँ पर शिकार वगैरह सामूहिक शिकार वगैरह के अपन को प्रमाण मिलते हैं। तो उसके बाद में धीरे धीरे विकास हुआ और धीरे धीरे विकास के क्रम में मनुष्य है जो आगे बढ़ता है, फिर खेती करना भी सीखता है, फिर आग का उनको पता चलता है तो फिर फसल जो अपने भोजन है उसको पकाकर खाना सीख जाता है, फिर उनको थोड़ी श्रम महसूस होती है, शुरुआत में जो पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनसे अपने शरीर के अंगों को ढकते हैं, और धीरे धीरे विकास करता है, फिर अपने पशु पक्षी जो पशु पक्षी खालों को पहनता है, ओढ़ता है, शिकार करना सीखता है, तो धीरे धीरे मानव का क्रमिक रूप से विकास होता है। तो आदि मानव का कैसे विकास होता है वो इसमें सारा अपन पढ़ेंगे कि उसमें उनको भी आदि मानव के काल को भी कितने भागों बांटा गया, एक तो पूर्व पाषाण युग, एक नवपाषाण युग और एक धातु युग जिसमें धातुओं की शुरुआत हुई और जिसमें अपने लो एस है, और जो अपने धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण तांबा धातु का उपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो ये आ जाएगा धातु युग। इस प्रकार से पूर्व पाषाण में के पाषाण के जो वे उपकरण हैं
जो अनघड़े मतलब बे घड़े बे ढंग के जो पत्थर थे उनका उपयोग करते थे। फिर नवपाषाण में थोड़े अच्छे किस्म के और छोटे मात्रा में और उनके साथ में छोटे छोटे पत्थर, जैसे मान लो एक पत्थर का टुकड़ा ले लेंगे इस प्रकार का, और एक लकड़ी की बांध के उसको भाले के रूप में उपयोग में ले लेंगे। तो इस प्रकार के नवगढ़ित जो पत्थरों का उपयोग किया जाना शुरू हुआ नवपाषाण काल में। और इस के काल में एक मनुष्य है जो थोड़ी मात्रा में खेती वगैरह करना भी सीख जाता है। तो इस प्रकार से कैसे मानव का विकास होता है, वो आदि मानव, आदि यानी पुराना मानव है, उसके बारे में अपन ये जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आगे इसके अंदर अगला जो पॉइंट होगा, टॉपिक होगा, उसमें सबसे पहली सभ्यता है प्राचीन मिस्र की सभ्यता, जो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बड़े बड़े पिरामिड बने हुए थे। तो वो इतने बड़े बड़े पिरामिड होते थे जो लगभग एक इतना छोटा सा गांव मान लें, इतने बड़े बड़े पिरामिड होते थे और लगभग ढाई ढाई टन के ब्लॉक होते थे और हजारों की संख्या में ब्लॉकों से ही बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते, जो मतलब 200-300 किलोमीटर दूर से भी आराम से दिखाई देते, ऐसे बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए, गीजा के पिरामिड वगैरह। तो ये इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसमें भी अपन मिस्र के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो राजनीतिक जीवन, यानी वहाँ पर राजा वगैरह क्या कहते थे, राजा को खप्पू कहते थे, किस प्रकार से राजा शासन करते थे, राजा का शासन में सहयोग कौन करते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें भी अलग अलग काल आए, जैसे सामंतवाद का काल था, उसमें पिरामिडों का युग था, तो ऐसे करके तीन कालों में इसको बांटा गया, वो पढ़ेंगे। राजनीतिक शुरुआत में राजा का उत्तराधिकारी कौन होता था उनके वहाँ पर मिस्र में, जिस प्रकार अपने भारत में जैसे अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी अपना किसी भी वंश का बेटा होता है, लेकिन मिस्र में उल्टा रहा, वहाँ पर जो राजा होता था उसकी बेटी होती थी, वो उत्तराधिकारी होती थी। तो किस प्रकार से वहाँ की राज व्यवस्था थी, वो इसमें सारा अपन पढ़ेंगे। फिर इस मिस्र की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी सभ्यता हुई है वो नदियों के किनारे हुई, क्योंकि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, खाने के लिए पीने के लिए और फसल उत्पादन के लिए भी पानी आवश्यक है। तो जितनी भी सभ्यता हुई है, चाहे वो मिस्र हो, यूनान हो, बेबीलोन हो, कोई भी सभ्यता है, नदियों के किनारे हुई है। तो नील नदी के किनारे ये सभ्यता हुई थी मिस्र की, इसलिए मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे हुई थी, इसलिए अपने आगे इसमें पार्ट ऑफ विस्तार से पढ़ेंगे। एक वॉल्टेयर नामक जो इतिहासकार है वो कहता है कि नील नदी है जो मिस्र का वरदान है। तो इस प्रकार से इसके बारे में पढ़ेंगे, नील नदी के क्या क्या है, कहाँ से बहती है, कौन कौन से क्षेत्रों में बहकर निकलती है, और ये नील नदी है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहते हुए जाती है, तो वो किस प्रकार से वहाँ पर है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पिरामिडों का युग आता है, जिसमें बड़े बड़े पिरामिडों का बनता है, जिसमें हत्शेपसुत वगैरह और अपने क्लियोपेट्रा जैसी महिला शासिकाएं भी बनती है, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर उसमें शासन व्यवस्था का किस प्रकार से संचालन होता है वो पढ़ेंगे। फिर प्रबंधन और प्रस्तुति, उस वहाँ की संस्कृति, ये सारा इसमें दे रखा होगा। इसके अलावा वहाँ का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन में महिलाओं का स्थान कैसा था, पुरुष शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी वगैरह, वो सारा आ जाएगा। समाज में संयुक्त परिवार थे या एकल परिवार थे, वो सारा आ जाएगा। इसके अलावा आर्थिक जीवन में वहाँ के इनकम के स्रोत क्या थे, कृषि करते थे, व्यापार वाणिज्य करते थे, किन किन देशों से उनका संबंध था, तत्कालीन सभ्यताओं से किन किन सभ्यताओं से संबंध था, वहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएँ बनती थी, तो वो सारी, जैसे अपन बात करें अपने वहाँ पर जो सौर घड़ी का उपयोग किया जाता था समय के लिए, उनका जो पंचांग किस प्रकार से होगा वो है, उनकी लिपि कैसी होगी, वो सारी जानकारियाँ वहाँ पर अपन प्राप्त करेंगे। तो वो सारी इसी प्रकार ऐसे के ऐसे सभी सभ्यताओं की सारी जानकारी है। अगली अपने सभ्यता होगी इसमें बेबीलोनिया की सभ्यता। बेबीलोनिया की सभ्यता किस लिए फेमस है, आपने सुना होगा कि दुनिया में 7 अजूबे, कितने हैं, 7, तो उसमें से एक अजूबा था बेबीलोन में, जिसमें बेबीलोन के झूलते बाग, झूलते बाग का मतलब है वहाँ पर बेबीलोन है, उस बेबीलोन में जो महल बने हुए हैं, मतलब अभी तो वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन खंडरों के रूप में है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था, इस प्रकार से महल बने हुए थे बड़े बड़े, और उन महलों में यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे ऊपर की तरफ, उन इतना इस प्रकार से व्यवस्थित उन महलों के ऊपर बने हुए थे, इसलिए उसको बेबीलोन के झूलते बाग के रूप में जाना जाता है। और ये भी अपने एक छांत आश्रयों में से एक है। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, वहाँ पर कौन सी नदी थी, उसके किस प्रकार से वहाँ पर लोगों का जीवन यापन होता था, वो सारा इसमें आ जाएगा। तो इसमें जो सुम्बेर और अंकदन नगर थे, दो नगर थे, अमूराबी वहाँ का राजा था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, अमूराबी ने एक जो शासन व्यवस्था के लिए कोड दिया था वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाता था, वो सारा इसमें आ जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, वो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा राजाओं के आय के स्रोत क्या होंगे, वो सारे आ जाएंगे इसमें। फिर आता सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन का मैंने बता दिया, प्रत्येक समाज में जब पढ़ेंगे तो वहाँ के परिवारों के बारे में पढ़ेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, और उनका जो क्या क्या मान्यता है समाज में, वो सारी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो हो जाएगा। फिर आर्थिक जीवन, वहाँ पर भी जो बेबीलोन में कौन कौन से व्यापार वाणिज्य होंगे, वहाँ पर कृषि का क्या महत्व था, अन्य कोई उद्योग धंधे वगैरह होंगे,
तो वो अपन तत्कालीन समय का पढ़ेंगे और अन्य देशों से संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा इसमें आर्थिक जीवन में। फिर वहाँ पर लेखन कला का विकास किस प्रकार से हुआ वो इसमें जानकारी दे रखी है, और बेबीलोन की सभ्यता से विश्व को क्या देन मिली है, यानी बेबीलोन में ऐसी क्या खोजें हुई है या उन्होंने कौन से तत्वों को अपनाया है जो दूसरे देशों के लिए भी क्या आते हैं, काम में आते हैं। तो ये बेबीलोन की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे अपन। पूरे अभी पहले पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो पहले पार्ट में पहला टॉपिक अपने ले लिया आदिमानव का, दूसरा मिस्र की सभ्यता का, और तीसरा है अपने बेबीलोन की सभ्यता का। फिर उसके बाद में अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे कि प्राचीन चीन की सभ्यता, चीन जो अपने वर्तमान में ड्रैगन के रूप में और बहुत तेजी से अपनी प्रगति कर रहा है, तो तत्कालीन समय में चीन की दीवार क्यों बनी। तो अपने यहाँ पर दुनिया का एक बहुत बड़ा मरुस्थल था गोभी का मरुस्थल, अपन भारत की बात करें अपना ये भारत है और इस तरफ चीन पड़ता है ये इस तरफ भारत के, तो चीन में एक था अपने गोभी का मरुस्थल था चीन के उत्तर की तरफ, और वहाँ पर एक क्षेत्र था मंगोलिया। अब चीन पे क्या होता था, वहाँ पर समय समय पर मंगोलिया से जो लुटे थे वो आक्रमण कर देते थे चीन में, और चीन ने इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर एक तो नदी चीन की सभ्यता है वांगो नदी के किनारे ये जो बनी है अपने सभ्यता। अब ये नदी है जो अपने मानसरोवर से निकलकर अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई, इसे पीली नदी भी कहा जाता है क्योंकि उत्तर से जो अपने थार का मरुस्थल ये गोभी का मरुस्थल है वहाँ से हवाओं के साथ जो पीली मिट्टी है जो आकर नदी के किनारे और नदी में पड़ जाती थी, इसलिए पीली मिट्टी भी कहा जाता है, ये पीली नदी भी कहा जाता है। तो अभी इस नदी के किनारे ये यहाँ पर ये सभ्यता का विकास हुआ है, और इनसे मंगोलों की जो आक्रमण से सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी दीवार का निर्माण हुआ है। यहाँ पर उत्तर की तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई जो तत्कालीन समय की सबसे बड़ी अपने कहा जाता है कि भाई जो स्पेस से जाते हैं आकाश में और वहाँ से अगर मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें दिखाई देती है तो वो है चीन की दीवार। तो इतनी बड़ी दीवार बनाई, कितने राजवंशों के काल में दीवार बनी, वो सारी जानकारी और उनकी मीनारें किस प्रकार से क्या थी वो सारी अपन इसमें विस्तृत से जानकारी पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका राजनीतिक जीवन कैसा था, किस प्रकार से शी मांग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो तत्कालीन समय के पुस्तकालय जला दिए गए, किस प्रकार से उन्होंने राजव्यवस्था में नए प्रयोग किए वो सारा, इसमें कर व्यवस्था कैसी थी वगैरह वो जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो अपने वर्तमान में जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसी प्रकार वहाँ पर उस समय एक बहुत बड़ा मतलब जो राजनीति में संबंधित या जो प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते थे उनकी भर्ती किस प्रकार से होती थी वो अपने एक विधि थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनका मंदारिन कहा जाता था, उन मंदारिनों का किस प्रकार से चुनाव होता था वो सारी जानकारी इसमें राजनीतिक व्यवस्था में अपन व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। इसके अलावा उनके प्रशासन में प्रांतों को किस प्रकार से बांटा गया था, प्रांतों से नीचे जो अपने जिला लेवल पर क्या व्यवस्था थी, ग्रामीण लेवल पर क्या व्यवस्था थी वो सारे अपने इसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था होगी, फिर इसमें अपने इसकी चीन की विभिन्न राजवंश हो गए, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, फिर सामाजिक जीवन, चीन का सामाजिक जीवन जैसा कि अपन देखते हैं कि चीन में कहा जाता है, चीन की एक कहावत फेमस है कि चीन में चार टांगों वाले कुर्सी और टेबल को छोड़कर सब कुछ खाया जाता है। अपन देखते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है, चीन में ही है, तो वहाँ के चीन में किस प्रकार का खान पान वगैरह अपन देखते हैं, कई वीडियो भी आते हैं कि चीन में कुछ भी खाया जाता है, तो वो सारे किस प्रकार से उनका ऐसा व्यवहार क्यों किया, उन लोगों पर ऐसे क्या प्रभाव पड़े जिनके कारण उन्होंने ऐसे खान पान को अपनाया, तो वो सारे तत्व तो इसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे और दे भी रखा है इस किताब में पूरा व्यवस्थित रूप से। तो उनका राजनीतिक जीवन, फिर सामाजिक जीवन, समाज कैसा था उनका, पुरुष प्रधान था महिला प्रधान था या समाज में किस प्रकार से व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार होते थे एकल परिवार होते थे, वो सारी जानकारी इसमें दे रखी है। इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था या नहीं था वो सारा इसमें पढ़ेंगे। फिर आर्थिक संगठन, तत्कालीन समय में भी चीन का जो व्यापार वाणिज्य जैसे बात करें रेशम का उत्पादन है सबसे पहले है जो चीन में ही हुआ है, तो किस प्रकार से रेशम बनाते थे, उसका व्यापार वाणिज्य कैसा होता था, कौन कौन से देशों से, जैसा कि एक बात नाम सुनते हैं रेशम मार्ग जो अपने बात करें मध्य एशिया के होते हुए एक यूरोप तक जाता था मार्ग, बहुत बड़ा मार्ग था, तो उस प्रकार से किस प्रकार से उसने इस व्यवस्था को कायम किया, ये अपने अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये अपने भारत और ये यूरोप होते हुए ये अपने चीन वाला एरिया हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पूरा यूरोप से लेकर यहाँ पर चीन तक एक मार्ग चलता था रेशम मार्ग, जिसके ऊपर अपने ये भारत ने भी एक बार जो कुषाण काल में इसके ऊपर क्या किया था, अपने अधिकार किया था, रेशम मार्ग को अपने कंट्रोल में लिया था और चुंगी लेता था भारत। तो ये सारी जो क्या व्यवस्था थी वो कैसे इस रेशम मार्ग की सुरक्षा करते थे, कौन कौन सा व्यापार वाणिज्य यहाँ से होता था वो सारी आर्थिक क्रिया में आ जाएगा। और इसके अलावा कृषि भी उन्नत अवस्था में थी, जैसा कि मैंने बताया पीली नदी थी वहाँ की मुख्य, वांगो नदी कहा जाता है, तो उस नदी के किनारे किस प्रकार से ये अपना भरण पोषण करते थे वो सारी बातें हैं जो तत्कालीन समय के अपन इसके सामाजिक जीवन और इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा इनका धार्मिक जीवन,
कौन कौन से देवता थे, किस प्रकार से देवता थे, प्रकृति के देवताओं का पूजन होता था, कौन कौन से देवताओं को ये मानते थे, वो सारा आ जाएगा। इसमें भी दो धर्म आएंगे इसमें मुख्य रूप से, एक तो कन्फ्यूशियस धर्म था जो कन्फ्यूशियस व्यक्ति द्वारा चलाया गया था, और एक था लाओत्से द्वारा चलाया हुआ ताओवाद। ये दो धर्म वहाँ पर प्रमुख रूप से चलते थे, ताओवाद और कन्फ्यूशियस धर्म। और उसके बाद में धीरे धीरे जो अपना हिंदुस्तान का बौद्ध धर्म है उसका वहाँ पर प्रचार होता है, और बौद्ध धर्म का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फलीभूति होता है। जितना अभी वर्तमान में भारत में प्रचलन नहीं है बौद्ध धर्म का, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर उसका प्रचलन है। तो इसके बारे में अपन धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इसकी देन आती है विश्व को, तो जो अपन बरसात होती है तो साता लेके घूमते हैं, वो साते का भी आविष्कार वहाँ पर हुआ, रेशम का आविष्कार वहाँ पर हुआ, जो अपना दिशा सूचक यंत्र है उसका आविष्कार वहाँ पर हुआ, बारूद का आविष्कार चीन में हुआ। तो चीन की कौन कौन सी विश्व को देन है वो सारा अपन क्या है विस्तृत रूप से। इसके अलावा जल घड़ी का निर्माण भी चीन में हुआ है, वो सारा अपन विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा चीन की लिपि, जो अपने किस प्रकार की लिपि है, कैसे लिखते हैं, वो सारा इसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से हो जाएगी चीन की सभ्यता। फिर आती है अपने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है जिसकी खोज हुई थी 1921 के अंदर। पहले प्रमाण तो अपन को 1858 में जब रेल लाइनें बिछाई जा रही थी लाहौर में, जब लाहौर में रेल लाइनें बिछाई जा रही थी तो रेल लाइन बिछाने के लिए रोड़ियों की आवश्यकता पड़ी, और पास में से एक टीले के अंदर से रोड़ियाँ ली गई, और इसकी सूचना जब वहाँ के प्रशासन द्वारा आगे दी जाती है तो उन्होंने वहाँ खुदाई करवाना बंद किया। और उसके बाद में 1858 के बाद में पहली बार इसकी खुदाई होती है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, राम साहनी द्वारा, कहाँ पर होती है, हड़प्पा में, हड़प्पा नगर में इसकी खुदाई होती है। कौन से नगर में, हड़प्पा नगर में 1921 में। और 1922 में ही एक आता है राखलदास बनर्जी, उसके द्वारा 1922 में मोहन जोदड़ो इस नामक स्थान की क्या होती है, खुदाई होती है। तो इन दोनों की खुदाई के बाद में फिर भारत में इसका हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का प्रश्न शुरू हो जाता है, और आगे आगे बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके स्थल खोजे जाते हैं, और जिसके कारण इसको आगे जाकर सिंधु नदी के किनारे बहुत ज़्यादा स्थल मिलने के कारण इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर अपने इसमें भारत में भी इसकी खुदाई होती है, सरस्वती नदी के किनारे विभिन्न अवसरों को अवशेष मिलते हैं, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण अपने है। इसके अलावा जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी क्या विशेषता है, तो ये तत्कालीन समय की जो अन्य सभ्यता थी उनके पैरेलल में इसकी एक नगरीय सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ एक टीला फैला हुआ था, और इस टीले में अपने दो भागों में बांटा गया था, जिसमें एक तो था पश्चिमी भाग जिसमें पुरोहित और बड़े बड़े जो राज परिवार से संबंध रखने वाले लोग रहते थे, जिसमें बड़े बड़े स्नानागार बने हुए थे, बड़े बड़े अन्नागार बने हुए थे, और इसके अलावा जो उनके पुरोहित निवास माने जाते हैं, इसके बीच में दीवार बनी हुई थी, और आगे है जो आम जनता निवास करती थी। तो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से चौड़ी सड़कें थी, बीचों बीच रास्ते का होते थे, इसके अलावा छोटी छोटी गलियाँ होती थी, घर है जो पीछे की तरफ अपने दरवाजे खुले हुए थे, फिर इनसे नालियाँ निकलती थी, व्यवस्थित नालियाँ की व्यवस्था थी। तो इनके कारण तत्कालीन समय में जो दूसरी सभ्यता है उनमें अपन को ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसीलिए भारतीय सभ्यता को क्या कहा जाता है, अपने नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो ये किस प्रकार से नगरीय सभ्यता थी, उसके प्रमाण किस प्रकार से मिले, कैसे अन्नानगार थे, कैसे स्नानागार थे, कहाँ गोदीवाड़ा वगैरह मिला, वो सारी जानकारी अपन इसमें प्राप्त करेंगे। इसके अलावा राजाओं का वास्तव में राजाओं के कुछ प्रमाण मिले कि नहीं मिले, वो सारी इसमें जानकारी दे रखी है, तो ये विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगी अपने हड़प्पा सभ्यता। फिर हड़प्पा सभ्यता में अपने वही राजनीतिक जीवन हो गया, फिर इसमें सामाजिक जीवन, समाज कैसा था, मातृसत्तात्मकता, यानी यहाँ पर महिलाओं का जो वर्चस्व ज़्यादा था, किस प्रकार से महिलाओं का मान सम्मान होता था वो जानकारी पढ़ेंगे। इसके अलावा परिवार कैसे होते थे, संयुक्त परिवार होते थे या एकल परिवार होते थे, परिवार में एक ही चूल्हा मिला इसका मतलब सारे परिवार वाले एक ही जगह खाते हैं, तो ये किस प्रकार से प्रमाण है वो सारा इसमें आ जाएंगे। फिर आता है इसका आर्थिक जीवन, व्यापार वाणिज्य, वहाँ वहाँ से अपन को विभिन्न प्रकार के सेल खड़ी वगैरह के बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन को मण मूर्तियाँ मिली, मोहरें मिली है, तो इससे पता चलता है भाई यहाँ पर व्यापार होता था। फिर अपन को मिस्र और बेबीलोनिया की, और इसके अलावा जो अन्य तत्कालीन समय की जो सभ्यता थी यूनान की वगैरह, वहाँ के भी अपन को यहाँ पर मौर्य मिली है, तो जिसके कारण अपन को उनके संबंध मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता से यहाँ के संबंध होने की भी अपन को जानकारी मिलती है। कौन कौन से पशुओं का पालन होता था, पशुपालन यहाँ पर विशेषता थी, तो कौन कौन से पशु यहाँ पर थे, किस प्रकार से एक जो कुबड़ वाला बैल था उसके बहुत ज़्यादा अपन को मिले हैं मण मूर्तियाँ, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर यहाँ पर कला के अंदर नृत्य कला के अपन को एक मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो नृत्य कला की जानकारी होती है। मूर्तियाँ मिली है, मूर्तियों की जानकारी मिलती है। कांस्य की मूर्तियाँ मिली है, तो कांस्य कला की जानकारी मिलती है। तो तत्काल समय की कलाओं के वगैरह भी अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो वो सारा इसमें अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को उठा के
आराम से, जिसमें भौगोलिक विस्तार, नगर विन्यास, सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक जीवन, प्रकृति से संबंधित देवताओं का पूजन होता था, सूर्य पूजन वगैरह होता था, वो सारी इसमें जानकारी होगी। आर्थिक जीवन हो गया, फिर व्यापार वाणिज्य, कौन कौन से देशों से व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार कौन कौन सी जगह से होता था और विदेशी व्यापार कौन कौन सी जगह से होता था। जैसे बात करें लोथल से बड़ा डॉकयार्ड मिला है, तो जिससे अनुमान लगाया जाता है कि भाई विदेशों में ये वस्तुएं भेजी जाती थी, तो वो सारी जानकारी इसमें प्राप्त होगी। फिर आती है अपने यूनान एवं रोम की सभ्यता। यूनान और रोम की सभ्यता अपने दक्षिणी यूरोप में दोनों सभ्यताओं का पनप हुआ, तो वो किस प्रकार से उनका विस्तार हुआ। जैसे जो आपने पिक्चर देखी होगी 300 सैनिक वाली एक पिक्चर बनी हुई है, बहुत बड़ी हॉलीवुड की पिक्चर है, तो उसमें किस जो दे रखी है अपने किस प्रकार से वो 300 सैनिक लड़ते हैं जक्सिस से, तो वो सारी जानकारी है अपन इसमें पार्ट में पढ़ेंगे। जिसमें दो युद्ध होते हैं, एक तो मैराथन होता है जिसे जैसे अपने राजस्थान के हल्दी घाटी को भी कहा जाता है, अपने मेवाड़ के थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, तो वो मेवाड़ के मैराथन वगैरह जो कहा जाता है वो वहाँ पर पहले युद्ध हो रखे हैं हजारों सालों पहले, तो उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। वहाँ से कैसे उसने उनसे युद्ध किया, कैसे उन्होंने एथेंस और स्पार्टा में उन्होंने संगठन किया, वहाँ पर सोने चांदी नहीं चलता था और लोहे के सिक्के चलते थे, तो किस प्रकार से, और वो भी लोग ज़्यादा खेती वगैरह में विश्वास नहीं करते, वो अपने शरीर को बलिष्ठ बना देते, और वहाँ की विशेषता पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मान लो कोई कुरूप बच्चा पैदा हो जाए, कोई बच्चा है जो अपंग वगैरह पैदा हो जाए लूला लंगड़ा, तो उसको पहाड़ी से गिरा के मार देते थे, क्योंकि वहाँ पर बलिष्ठ लोगों का ही मान सम्मान होता था। तो इसमें विस्तृत रूप से उसको पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा यूनान की सभ्यता के जो क्या क्या देन है वो सारी इसमें, जो जितनी भी सभ्यता हैं उनमें उनकी राज्य व्यवस्था, उनका सामाजिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन, वहाँ की कला संस्कृति, विश्व को देन, ये सभी सभ्यता में लगभग सेम पैरेलल चलेगा, तो इनको विस्तृत रूप से एक एक को अपन व्यवस्थित पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अपन यूनान की सभ्यता की बात करें, तो यूनान के विश्व को देन है बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, जैसे नाम सुना हो सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, जिन्होंने उस समय इतिहास के जो पिता वगैरह हेरोडोटस वगैरह वो भी उसी क्षेत्र से हुए हैं, जो जीव विज्ञान वगैरह के पिता है अपने वो भी अरस्तु वगैरह वो वहीं से हुए हैं, तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी अपन पढ़ेंगे। सारा व्यवस्थित रूप से अपने इस किताब में दे रखा है, तो इस प्रकार से ये अपने पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर अपने दूसरा पार्ट है विश्व के प्रमुख धर्म और महजम। जैसा कि मैंने बताया अभी चीन की जो सभ्यता थी उसमें दो धर्म बताए, कन्फ्यूशियस धर्म है और इतने लाओत्से वाला ताओवाद। उसी प्रकार विश्व के जो प्रमुख धर्म, जैसे भारत की बात करें तो भारत का वैदिक धर्म या हिंदू धर्म कहा जा सकता है, सनातन धर्म भी नाम आता है इसका। इसके अलावा जो मुख्य धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये है। वहाँ पर अपने यूरोप की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर ईसाई धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला हुआ। तो ये सारे इनमें प्रमुख धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपने पहले इसमें जो बात करते हैं पहला वैदिक धर्म दे रखा है, जिसका मैंने नाम बता दिया, सनातन धर्म भी कहा जाता है और हिंदू धर्म भी कहा जाता है। तो वैदिक धर्म के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, अपने जो चार वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद है, पुराण है, रामायण महाभारत जो वहाँ काव्य है, ये सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। इसकी वैदिक धर्म की क्या विशेषता है, जैसे अपने यहाँ पर किस प्रकार से स्तुति की जाती है, हवन यज्ञों का क्या महत्व था, तत्कालीन समय के कौन कौन से देवता थे, तीन प्रकार के जो देवता है, आकाशवासी देवता है, पृथ्वीवासी देवता है, इसके अलावा जो अपने अंतक्षवासी देवता है, तो इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर इनकी कौन कौन से प्रमुख देवता और किस प्रकार से उनकी उपासना होती है वो सारा इसमें विस्तृत रूप से दे रखा है। तो ये हो जाएगा अपने वैदिक धर्म। फिर अपने दूसरा धर्म आता है जैन धर्म, किताब के हिसाब से तो दूसरा धर्म है जैन धर्म। वहाँ पर तो जैन धर्म का तत्कालीन प्रकार किस प्रकार से प्रभाव हुआ, अपने आदिनाथ द्वारा शुरुआत की और उसके बाद में पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर, पहले तो है आदिनाथ, उसके बाद में नमीन और बहुत सारे तीर्थंकर हुए, फिर आए पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। फिर अपने आते हैं 24वें तीर्थंकर, जिसका नाम था अपने महावीर। तो महावीर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी ने किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की, कहाँ कहाँ अपने परिवार को कैसे त्याग किया, उनके पत्नी बच्चे वगैरह इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में इन्होंने जो एक अन्य सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ऊपरी अपरिग्रह तो दे दिए थे पार्श्वनाथ ने सिद्धांत, और इन सिद्धांतों में एक सिद्धांत और जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य का, और इस प्रकार से 5 सिद्धांत देते हैं, किस प्रकार से इसमें मोक्ष का निर्वाण का सिद्धांत दे रखा है। तो सारा इसमें विस्तृत रूप से महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या क्या शिक्षा दी है उन्होंने, अपने सत्य निर्जरा वगैरह वो सारी इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। और विश्व की संस्कृति को उन्होंने क्या दिया है, इस धर्म से विश्व को क्या मिला है। तो बात करें अहिंसा की तो इसमें विश्व की सबसे बड़ी देन है इसकी अहिंसा वगैरह, तो इनको अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर आता है अपने बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की क्या क्या देन है, बौद्ध धर्म के जो अपने भारत में उत्पत्ति हुई धर्म की, बौद्ध धर्म की जो भगवान बुद्ध ने इसको चलाया है, लेकिन आगे जाकर भारत में इस धर्म का क्या हो गया, पतन हो गया।
क्योंकि भारत का धर्म था जो अपने वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म ने बौद्ध धर्म को अपना अंग बनाकर उसको क्या कर दिया, अपने ही धर्म में समाहित कर लिया। तो जो लोग वैदिक धर्म, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्पत्ति भारत के अंदर क्यों हुई थी, क्योंकि वैदिक धर्म में कुछ जटिलता आ गई थी। तो जब जटिलता आई, मान लो ये अपना ये वैदिक धर्म था, बहुत बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, अब वैदिक धर्म में कुछ जो लोग थे वो असंतुष्ट हो गए, उनको अपने अधिकारों के अंदर कमी लगने लगी, तो तत्कालीन पैरेलल में जैन धर्म आ गया और बौद्ध धर्म आ गया। अब जो लोग यहाँ पर दुखी हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, वो लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ, इनमें ये सारे जुड़ने लगे। लेकिन बाद में जब इसने महसूस किया हिंदू धर्म ने, ये जैन हो गया, ये बौद्ध हो गया और ये हो गया हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म ने जब महसूस किया कि भाई अपने लोग है जो दूसरे धर्मों के आकर्षित हो रहे हैं, अपने धर्म में कुछ कमियां हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन कमियों का सुधार किया। तो जब उन कमियों का सुधार किया तो जो इस तरफ लोग आकर्षित हो रहे थे वो इस तरफ आकर्षित होना बंद हो गए और उन्होंने पुनः हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो गए। तो जो जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया वो तो चल रहे थे, और जो बौद्ध धर्म थे वो काफ़ी सारे थे जो वापस हिंदू धर्म में आ गए। तो भारत से ये बौद्ध धर्म निकल के कहाँ गया, अपने भारत से निकल के इस रास्ते होते हुए कहाँ चला गया, चीन में चला गया, फिर अपने कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान वगैरह, ये जो इंडोनेशिया, जावा, मलाया, सुमात्रा, इन देशों में आज भी अपन को बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा अवशेष मिलते हैं। तो इस धर्म के विषय को क्या अध्ययन है, जो अपने त्रिपिटक ग्रंथ दे रखे हैं, इनके अलावा इन किस प्रकार से भगवान की स्तुति की जानी चाहिए, पूजा, जो विहार वगैरह, स्तूप वगैरह दिए हैं, वो सारे इसमें विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। तो ये हो जाएंगे अपने, इसके अलावा जो अपने दुख का कारण, दुख निवारण का मार्ग, तृष्णा का त्याग वगैरह, ये सारे बहुत अच्छी अच्छी बातें इसने भी दी है, तो इसके धर्म के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के और विश्व के क्या अध्ययन है वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर अगला आता है आपने ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का मैंने बता दिया यूरोप के अंदर चलता है, जो क्रिश्चियन वाला, जो इस प्रकार से उनके ईसा मसीह द्वारा चलाया गया, क्रॉस पर उनको लटकाया गया था, किस प्रकार से उन्होंने 7 सैक्रामेंट्स दिए, जिस प्रकार भारत के धर्म में 16 संस्कार होते हैं, कितने होते हैं 16 संस्कार, तो उसी प्रकार वहाँ पर 7 संस्कार होते हैं जिन्हें 7 सैक्रामेंट्स कहा जाता है। तो उनके बारे में कौन कौन से सिद्धांत है वो पढ़ेंगे, और इनको क्या क्या देन है, गलगोता पहाड़ी पर कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो सारा इसमें अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर अपने आता एक बहुत बड़ा धर्म है जिसका नाम है इस्लाम धर्म, जो तत्कालीन समय में बहुत तेजी से अपने आगे बढ़ रहा है। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत है जो 622 में, ईसाई धर्म की शुरुआत की हुई थी 1 ईस्वी में, जो 1 ईस्वी वर्तमान में सन चल रहा है 2020, तो 2020 से पहले, 2020 साल पहले इसकी धर्म की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो इसके बारे में बात करें अपने जैन धर्म की शुरुआत की, सभी धर्मों की शुरुआत की पता है, हिंदू धर्म की शुरुआत की पता नहीं है, क्योंकि वो सनातन धर्म में सदियों से चला था। तो ये हो जाएगा। फिर 622 के अंदर अपने ईसा मसीह आते हैं, नहीं ये पैगंबर मोहम्मद साहब, और पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम धर्म की, कौन से धर्म की शुरुआत करते हैं, इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे, वो अपने परिवार से, उनके माता पिता बचपन में मर जाते हैं, फिर चाचा द्वारा इनका लालन पालन होता है, फिर एक अपने से बड़ी महिला से शादी करते हैं, व्यापारिक महिला थी, और उसके बाद में उनको हीरा की पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर वो मक्का में जब उनका ज़्यादा विरोध होने लगता है तो वो मदीना चले जाते हैं, और वहाँ से 622 में जाते हैं, इसीलिए इसको हिजरी और एक संवत की शुरुआत करते हैं, हिजरी संवत, जो अपने ग्रह नक्षत्र चंद्रमा की कलाओं पर चलते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा अपन किस प्रकार से उनकी विश्व को देने, कौन कौन सी शिक्षा दी, किस प्रकार से रोजे होते हैं, क्या होते हैं, सारा इस्लाम धर्म के अंदर विस्तृत चीज की जानकारी पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट है पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है, विश्व के प्रमुख धर्म और मजहब पर। तो ये दूसरा पार्ट में पूरा विस्तृत रूप से इस प्रकार से इसमें पढ़ा जाएगा। फिर आएगा अगला यूरोप में पुनर्जागरण, यूरोप में पुनर्जागरण, जैसा कि नाम से पता चलता है यूरोप, तो अपने इसमें ज्यादातर यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे। और पुनर्जागरण, जागरण का मतलब होता है नींद से सोया हुआ है और उसका जगना, और आगे दे देखा है पुनर्जागरण, यानी एक बार था जागा और वापस सो गया और उसको वापस जगाया गया, तो वो क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण। यानी तत्कालीन समय में जो विश्व का इतिहास था उसमें यूरोप में शुरुआत में बहुत तेजी से प्रगति हुई, लेकिन बीच के काल में जब अपन बात करें जो मध्य काल आता है उस काल में सामंती व्यवस्थाओं के कारण और जो ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण है जो बहुत ज़्यादा जटिलता आ गई और लोगों की मानसिकता है वो केवल राजवंशों के आधार पर ही टिकी रहने लगी, स्वतंत्र सोच नहीं थी। और उस काल में जो अपने आधुनिक काल की शुरुआत में क्या होता है, लोग वापस अपने स्वयं के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मानव की स्वतंत्रता के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो इसीलिए इसको पुनर्जागरण कहा जाता है। तो क्या कारण थे पुनर्जागरण के, किस प्रकार से पुनर्जागरण हुआ, कौन कौन से जिंग लिए, लाउस वगैरह, वो सारा इसमें पढ़ेंगे विस्तार से, मार्टिन लूथर किंग वगैरह, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और किस प्रकार से वो लोगों को प्रेरित करते हैं वापस एक बार इन राज व्यवस्थाओं के खिलाफ और
ईसाई धर्म के खिलाफ जो जटिलता है उनको मिटाने के लिए किस प्रकार से संघर्ष करते हैं वो इसमें पुनः जागरण में आ जाएगा, वो काल का अनुसार आ जाएगा, और फिर पुनः जागरण के क्या परिणाम होते हैं वो सारा आ जाएगा। जब पुनः जागरण हुआ, लोगों ने धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया, क्योंकि पहले पढ़ने लिखने वाले वर्ग उच्च वर्ग के थे, लेकिन जब सामान्य वर्ग ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, जो इनकी ईसाई धर्म की प्रमुख पुस्तक थी बाइबिल, उसका विभिन्न भाषाओं में उनका लेखन हुआ, तो लोगों ने धर्म को सत्य की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। केपलर वगैरह और इनके द्वारा गैलीलियो वगैरह के द्वारा खोज की गई दूरबीन की वगैरह, तो इससे पता चला कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य का शक्ल निकालती है पृथ्वी, मैगलन द्वारा बताया गया कि भाई पृथ्वी गोल है। तो इस प्रकार से ये जब जानकारियाँ दी गई तो लोगों ने धर्म को एक कटघरे में खड़ा कर दिया, और तब धर्म ने महसूस किया कि अपने अंदर क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो इसीलिए रिफॉर्मेशन यानी अपने अंदर वापस सुधार की प्रक्रिया रिफॉर्मेशन कहलाता है। तो धर्म ने जो अपनी जटिलताओं को निकाला और वापस सुधार की प्रक्रिया चलाई, उसको रिफॉर्मेशन आंदोलन कहा जाता है। और जब पुनः जागरण हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, पहले ये धर्म कहता था कि भाई व्यापार वाणिज्य नहीं करना चाहिए, उधार पैसों की लेन देन नहीं करनी चाहिए, ब्याज पर पैसे नहीं देना चाहिए। तो जब उनको पता चला कि भाई इससे तो अपना जो व्यक्ति का विकास है अवरुद्ध हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बेड़ियों को उतार के फेंक दिया। तो फिर उस समय लोग पढ़े लिखे, जब उन्होंने स्वयं ने पढ़ना लिखना शुरू किया, अतिरिक्त समय का उपयोग किया, तो फिर उस समय उन्होंने महसूस किया बहुत तेजी से प्रगति करने का, और उस काल में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। अब औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे रिफॉर्मेशन आंदोलन पुनः जागरण का प्रभाव था, लोगों की शिक्षा का प्रभाव था, उसी के साथ साथ में तत्कालीन समय में जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों होती है, सस्ते श्रमिक होते हैं, बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, लोहे और कोयले का एक ही स्थान पर मिलना, परिवहन की व्यवस्था होना, तो वो सारे क्या क्या कारण थे औद्योगिक क्रांति के, औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम थे, वो सारा व्यवस्थित रूप से इस पार्ट में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से यूरोप में पुनः जागरण, रिफॉर्मेशन आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, तीन टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें पहला है यूरोप में पुनः जागरण, जिसमें धर्म सुधार कैसे होता है, पुनः जागरण का अर्थ क्या है, पुनः जागरण के कारण क्या है, पुनः जागरण का प्रभाव क्या है, ये देखा। दूसरा टॉपिक होगा धर्म सुधार, यानी धर्म सुधार क्यों आवश्यकता हुई, अभिप्राय इसका, रिफॉर्मेशन मतलब धर्म सुधार है तो अभिप्राय, इसके कारण कौन कौन से थे प्रमुख सुधारवादी, मार्टिन लूथर वगैरह, जिंगविले वगैरह, तो इनको कैसे उनको नाना तोला वगैरह को जलाया गया। जब लोग स्वाभाविक धर्म के विरोध में कोई बोलेगा तो उसका विरोध होगा, तो ऐसे ऐसे खूब सारे लोगों को वहाँ पर जलाया भी गया, तो क्यों जलाया गया वगैरह, वो सारी इसमें जानकारी दे रखी है। फिर प्रतिवादी धर्म सुधार, यानी धर्म के खिलाफ में बोले तब अपने धर्म में किस प्रकार से सुधार होगा, तो वो जाएगा, दो धर्म चलते हैं, एक प्रोटेस्ट और एक ईसाई धर्म, प्रोटेस्टवादियों को किस प्रकार से मान्यता मिली, संघर्ष किया तो मान्यता मिली, तो वो सारा जाएगा। प्रति धर्म सुधार, इंग्लैंड भी अलग धर्म बना लेता है, सर्च बना लेता है, तो वो सारा अपन देखेंगे, और उसके प्रभाव क्या थे, और धर्म धर्म और जो राजनीति, राजनीति में क्या समानता थी, क्या समानता दोनों में क्या संबंध थे, वो सारा इसमें अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा धर्म सुधार। फिर आती है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण, फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होती है, इसके परिवर्तन क्या क्या किस किस क्षेत्र में विकास हुआ, तो औद्योगिक क्रांति से अपने वस्त्र उद्योग, वस्त्रों के क्षेत्र में क्रांति हुई, इसके अलावा अपने तत्कालीन समय सूती वस्त्र का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हो गए, कृषि के अंदर विभिन्न प्रकार के नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, इसके अलावा जो इस्पात, इस्पात का निर्माण होता है जो मुख्य धातु होती है कोई भी वस्तु बनाने की, मशीनें बनाने वगैरह की, तो इसमें किस क्षेत्र में विकास हुआ, परिवहन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, परिवहन के क्षेत्र में जो रेलों का वगैरह विकास हुआ, तो वो सारा इसमें क्या आ जाएगा, अपने औद्योगिक क्रांति के जो टॉपिक है इसमें सारा ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, फिर अपने तीन पार्ट हो जाए, इसमें तीन पार्ट, तीसरे पार्ट में ये पढ़ाया जाएगा। फिर आता है अपने चौथा पार्ट, विश्व में राष्ट्रवाद। अब जैसा कि मैंने बताया औद्योगिक क्रांति हो गई, प्रत्येक देश है इंग्लैंड वगैरह बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो दूसरे भी यूरोपीय देश क्या होंगे, प्रेरित होंगे, और उनके अभी तक वहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं था, राजाओं का शासन चल रहा है, लेकिन फिर भी जनता प्रेरित होगी कि भाई अपन अपने देश की वस्तु को अपनाएं। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश की सीमाओं के अंदर, जैसा कि मैं बात एक सामान्य उदाहरण दूँ कि मान लो पाकिस्तान को भारत के अंदर, ये अपना भारत है और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान कोई हरकत करता है और भारत के ये मान लो राजस्थान के अंदर घुसपैठ कर लेता है, राजस्थान के किसी क्षेत्र के अंदर वो नुकसान करता है, तो जो राजस्थान के किसी क्षेत्र को नुकसान करता है तो यहाँ पर केरल में बैठे हुए व्यक्ति को भी दर्द होगा, उसको भी महसूस होगा कि भाई इसने मेरे देश पर क्या किया, आक्रमण किया है। यहाँ पर असम में बैठे व्यक्ति को भी महसूस होगा कि इसने कुछ गलत किया है पाकिस्तान ने, इसका आप उनको जवाब देना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो ये क्या है, ये यहाँ पर राजस्थान तो बहुत दूर है, असम से भी दूर है, केरल से भी दूर है, लेकिन इसका संबंध किससे है, अपने भारत देश से। तो इसीलिए इस राष्ट्रवादी भावना की, जो अपने अब मान लो
पाकिस्तान है अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगा तो अपन को कोई टेंशन नहीं है, भले पाकिस्तान अफगानिस्तान को पूरा उड़ा दे वो अपन को टेंशन नहीं देगा, लेकिन वो भारत के एक छोटे से गांव के अंदर भी आक्रमण करेगा तो ये अपन को कत्ते सहन नहीं होगा। तो इसी का ये क्या है, ये राष्ट्रवादी भावना है, यानी अपने देश के। अब मैं बात करूँ कि मान लो भारत कोई पाकिस्तानी है, भारत के झंडे को अपने पैरों तले रौंद लेगा तो वो भी अपन को अखड़ने लगेगा, अपन उसके खिलाफ में बहुत अपने सोशल मीडिया पर भी अपन उसका विरोध करेंगे। तो ये क्या कारण है, अपने देश के सारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं प्रतीक है उनके प्रति भी अपने मन में क्या है, श्रद्धा है, भावना है, तो वही क्या है, राष्ट्रवाद। तो ऐसे राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी जिसके कारण ये विकास संभव हुआ, कौन कौन से तत्व इसमें, सारी इसमें जानकारी दे रखी है। तो राष्ट्रवाद में भी इसमें अलग अलग क्षेत्र वाइज बांटा हुआ है। तो पहला है, सबसे पहले होता है अमेरिका के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत। अमेरिका है तो अपन बात करते हैं, जो पूरी पृथ्वी है अमेरिका का पता ही लगभग 1700 कालीकट, ये कालीकट में पहुंचा था जमोरिन, ये नहीं कोलम्बस 1792 में शायद, तो ये अपने पहुंचा कालीकट की तट पर पहुंचा और इसने बताया, आया था वो भारत की खोज में था लेकिन पहुंच का गया उत्तरी अमेरिका की तरफ, पहुंच गया जा रहा था भारत की तरफ लेकिन वो अफ्रीका से उसका रास्ता भूल गया और कहां पहुंच गया, अपने अमेरिका की तरफ पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने जब कालीकट ये पहुंचा तो उसने बताया कि भाई ये वेस्ट इंडीज टाइप वहाँ पे लोग कालक वगैरह थे, तो ये इस तरह पर नई हुई क्षेत्र के रूप में उसको जाना गया। तो इस प्रकार से उसने वहाँ पर खोज की। फिर यूरोप के जो प्रताड़ित लोग थे, यूरोप के जो अन्य प्रताड़ित या बंदी थी जेलों में बंद पड़े लोग थे, उनको उठा उठा कर कहाँ पर भेजा गया, अपने अमेरिका के अंदर भेज दिया गया। अब वो लोग वहाँ पर जाकर रहने लगे और लगभग 13 बस्तियों का निर्माण किया अमेरिका में। कितनी बस्तियों का निर्माण किया, 13 बस्तियों। शुरुआत में तो वो सारे इसके यूरोप के जो देश थे उन्हीं की बात मान रहे थे और इंग्लैंड के अधीन थे, लेकिन बाद के काल में जब इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर मोनोपोली चलाई, बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कर वगैरह थोप दिए गए, विभिन्न प्रकार के वहाँ पर टैक्सेस वगैरह लगा दिए गए, तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया और विरोध के परिणाम स्वरूप आगे जाकर क्या होता है, अमेरिका क्या हो जाता है, 4 जुलाई 1776 को इसमें इनके घोषणा की जाती है आज़ादी के लिए और इसी के साथ में इसकी शुरुआत होती है। और 13 बस्तियाँ क्या करती है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं और विरोध के कारण अंत में जाकर क्या होता है, अमेरिका आज़ाद हो जाता है और उनका अपना एक प्रत्यक्ष रूप से खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और यहाँ पर अपने लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। तो ये सारा किस प्रकार से राष्ट्रवाद की यहाँ पर विकास होती है, सबसे पहले अमेरिका में वो इसमें पढ़ेंगे। फिर अपने इसमें अमेरिका की क्रांति होती है, उससे प्रेरित होकर जो फ्रांस में राजतंत्र थे, लुईस वंश का शासन चल रहा था, लुईस 14, लुईस 15, लुईस 16 और लुईस 17 तक शासन चला, तो उनके काल में क्या क्या घटनाक्रम हुई वहाँ पर, जो अंत में है जो मेरी आत्मानंद जो और अन्य जो वहाँ की महिला व्यक्ति थी उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ ऐसे कमेंट्स किए गए, भाई रोटी नहीं मिलती तो कैक वगैरह कहिए, तो इसके कारण क्या किया, यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। फिर राजा को यहाँ से बंदी बनाया गया, बॉस्टन की जो घटनाक्रम हुआ, एक किला था बास्टिलोन का किला उसको लूट लिया गया। तो ये सारी घटना इसमें पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति के कारण कौन कौन से तत्व थे वहाँ पर, क्या क्या क्रांति के सिद्धांत थे, किस प्रकार से तीन समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था, उनके वहाँ पर चुनाव की वगैरह व्यवस्था नहीं होती थी, तो वो सारा इसमें पढ़ेंगे, प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे और फिर परिणाम हो जाएंगे फ्रांस की क्रांति के वहाँ पर। फिर इसमें आगे आएगा फ्रांस में ही जो फ्रांस की क्रांति हो जाएगी, उसके बाद में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होगी लेकिन वो लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा और फिर वहाँ पर एक नेपोलियन नामक व्यक्ति आता है और वो पूरी शासन व्यवस्था को क्या कर देता है, अपने कब्जे में ले लेता है। तो नेपोलियन का उत्थान कैसे होता है, फिर उसकी शासन व्यवस्था में क्या वो सुधार करता है, कैसे इंग्लैंड को रोकने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करता है, कैसे वो रूस से वगैरह संघर्ष करता है, तो सारी इसकी कंधे आ जाएगा। और फिर किस प्रकार से उसका पतन होता है, नेपोलियन का पतन किस प्रकार से सारे देश इकट्ठा होकर उसके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं और दो जो राष्ट्रों का युद्ध वगैरह युद्ध होते हैं और उनमें एक उसको दो बार, एक बार एल्बर्ट टापू पर भेज दिया जाता है और एक बार दो बार उसको सेंट हेलेना टापू पर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या घटनाक्रम होता है वो सारा आ जाएगा और अंत में उसका पतन हो जाएगा। फिर आता है अपने जो यूरोप का क्षेत्र है इटली, उसका इटली का और जर्मनी दोनों का एकीकरण साथ साथ में चलता है और जर्मनी उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ जर्मनी है और दक्षिण की तरफ इटली है। तो इस प्रकार से इटली भी दो तीन भागों में बटा हुआ था और जर्मनी के अंदर भी 5-6 भाग थे। तो किस प्रकार से स्लेस्विक होलस्टीन उत्तर में दो क्षेत्र थे, इसके बाद में जो अन्य इसके मध्य क्षेत्र और दक्षिण में सिसिली नेपल्स वगैरह, तो इस प्रकार से सारा इसमें लोम्बार्डी वेनेशिया वगैरह थे
अपने बीच में रूम का क्षेत्र था, तो इस प्रकार से किस प्रकार से इसमें जैसे इसमें बात करें अपन, तो 20 मार्क के नेतृत्व में इसका हुआ, 20 मार्क था इसका प्रधानमंत्री, यहाँ पर हमने केवल प्रधानमंत्री था, राजाओं के नेतृत्व में हुआ, यहाँ पर पर्षा के नेतृत्व में हुआ, और यहाँ पर पिंडमान सांडिनिया के नेतृत्व में हुआ, पिंडमान सांडिनिया क्षेत्र है उसके नेतृत्व में, और ये पर्षा क्षेत्र है, और वहाँ का राजा अलग था, विक्टर एमनुअल था, यहाँ का राजा अलग था, तो इस प्रकार से ये दोनों में क्या संबंध है, दोनों का दुश्मन एक था, यहाँ पर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया दोनों का एकीकरण नहीं होना चाहता, करने देना चाहता था, उस समय उसके पास में शक्तिशाली यहाँ पर फ्रांस पड़ता था, फ्रांस भी दोनों का किस प्रकार से विरोध, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस में नेपोलियन के बाद के जो राजवंश है वो यहाँ पर आ गए थे, तो वो किस प्रकार से यहाँ पर इनके लिए नुकसान साबित हो रहे थे, तो वो सारे घटनाक्रम है जो इसमें देखेंगे। और इनको जैसे बात करें ये इसकी इटली की, तो इटली के एकीकरण में जो नाम आते हैं प्रमुख रूप से कैवुल का नाम आता है, इसके अलावा अपने जो काउंट कावुल, इसके अलावा दो तीन नाम आता रहते हैं, मेजीनी का नाम आता है, गैरिबाल्डी का नाम आता है, तो इन्होंने किस प्रकार से इसमें सहायता की है इसके एकीकरण में, वो सारा इसमें विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण में कैसे राष्ट्रीयता का विकास होता है, कैसे बिस्मार्क और इनका योगदान होता है, उसका विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने विश्व केंद्र राष्ट्रवाद का विकास चौथा पार्ट। फिर आता है अपने जब राष्ट्रों का विकास हो जाता है, सारे देश अपने भारत देश में सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना चाहते हैं, कम से कम आयात करना चाहते हैं, और अपने देश की सीमाओं को बहुत ज़्यादा विस्तृत करना चाह रहे हैं, सभी की अपनी अपनी लालसा है, तो इनके कारण क्या हुआ, विश्व में तनाव का माहौल हो गया, और ऐसे तनाव के माहौल में कुछ समस्या ऐसी घटना घटित हुई, और जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध है जो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। तो इस घटनाक्रम में कौन कौन से देश थे, तो इसमें दो भागों में बांटा है, एक है मित्र राष्ट्र, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र में कौन कौन से शामिल थे, जिसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, तो ये कौन कौन से ये क्षेत्र वो आ जाएंगे, और मित्र राष्ट्र में जैसे रूस की बात करें, इंग्लैंड है, जो फ्रांस है, इटली भी बाद में इसके साथ में जुड़ जाता है। बाद में जब एक जहाज था अमेरिका का, उसको डूबा दिया गया, और जिसके कारण अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है मित्र राष्ट्रों की तरफ से। तो किस प्रकार से घटनाक्रम होगा, उसमें इसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण हो जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या क्या घटना हुई वो हो जाएगा, और अंत में प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से इस पाठ के अंदर अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम, फिर इसमें इसी के घटनाक्रम में साथ साथ चलती है, इसके बीच में आता है 1917। तो 1917 है, रूस है, मैंने बताया रूस भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा है रूस, लेकिन रूस में क्या हो जाती है 1917 में कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें दो क्रांतियां होती है, एक तो बोल्शेविक क्रांति और एक मेंशेविक क्रांति, लेनिन के नेतृत्व में होती है बोल्शेविक क्रांति। तो किस प्रकार से दो घटनाएं होती है, और उस घटनाओं के कारण रूस है जो अपने को क्या कर देता है, इस युद्ध से अलग कर देता है। तो वो सारा अपने विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, रूस में क्यों क्रांति हुई, उस क्रांति के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम निकले, वो सारा अपन पढ़ेंगे, क्योंकि रूस उसके बाद में अलग हो गया, और रूस है जो तेजी से क्या करता है, प्रगति करता है, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर आता है 1919 से 1945 के मध्य का विश्व, अगला पार्ट है अपने 1919 से 1945 के मध्य का विश्व। ये अपने बात आ गई है अपन, ये भी 100 साल पहले की बात, मैंने पीछे पहुंच गए 100 साल, तो 1919 की बात है। 1919 से लेकर 1945 के मध्य विश्व में क्या घटनाक्रम होता है, तो बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, राष्ट्र बन रहे हैं, तो उस समय 1900 परिस्थिति ऐसी हुई, यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके अंदर एक संधि की गई, जिसका नाम था अपने जो वर्षा की संधि, और वर्षा की संधि में जो जर्मनी था, धुरी राष्ट्र थे, उन धुरी राष्ट्रों को पूरी तरह से दबा दिया गया, और इस समय है इटली भी क्या रहा, असंतुष्ट रहा, और इसके कारण बाद में जाकर जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो की धुरी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा दूसरे देश भी है जो आपस में अपने गुट बना लेते हैं, तो इसके कारण और ज़्यादा विश्व का माहौल खराब हो जाता है, और इसके कारण और इसके बाद में अपने एक और घटनाक्रम होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, लेकिन इसकी राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला स्वयं अमेरिका के सलाह पर इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन अमेरिका के संसद के मना करने पर जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और अमेरिका इसका सदस्य नहीं बनता है राष्ट्र संघ का। तो राष्ट्र संघ किस प्रकार के मतलब था, उसका राष्ट्र संघ का उदय कैसे हुआ, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से 1919 से 1945 के मध्य की अपन बात करें, तो पहले पढ़ेंगे राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में होती है, उसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे, उसको कितना फायदा हुआ उससे विश्व को, और किस प्रकार से वह बाद में असफल हुआ,
क्योंकि असफल ही हुआ जब जाकर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो असफलता के क्या कारण थे वो सारे इसमें पढ़ेंगे। फिर आती है 1929 की आर्थिक मंदी। सन 1929 में क्या हो जाता है पूरा विश्व, जिस प्रकार 2008 में आई थी आर्थिक मंदी, और उससे पहले 1929 में इतनी आर्थिक मंदी आ गई कि अमेरिका के लगभग 500 के आसपास बैंक थे जो बंद होकर करने के कगार पे आ गए। मतलब बैंक ने क्या किया, लोन दिया, लोन खूब सारा दिया यूरोपीय देशों में, अमेरिका से लोन दिया यूरोपीय देशों में। जब लोन को वापस देने की बात आई तो उनके पास में कुछ नहीं था देने को, तो जब पैसा वापस नहीं आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो इस प्रकार लगभग 500 बैंक है जो बंद हो गए। तो 1929 की आर्थिक मंदी क्यों आई, क्या क्या घटनाक्रम हुए, कौन कौन से देश इससे प्रभावित हुए और उनकी क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े, वो सारा इसमें दूसरे पॉइंट के रूप में अपन पढ़ेंगे। फिर आता है अपने फासीवाद। फासीवाद जो अपने जिसका उदय हुआ था अपने इटली के अंदर मुसोलिनी के नेतृत्व में, मुसोलिनी एक तानाशाह हुआ, उसके नेतृत्व में किस प्रकार से इटली को संगठित किया गया, क्योंकि मैंने बताया वर्षा की संधि के अंदर इटली को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो फिर मुसोलिनी आया और उसने इटली को एक सैनिक रूप में क्या किया, मजबूत किया, तो वो एक तानाशाह बन गया। यानी राजा मतलब जो तानाशाह का मतलब जो जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाए या जो अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलाए वो हो जाएगा। तो मुसोलिनी के नेतृत्व में किस प्रकार से उसने इसकी स्थापना की है फासीवाद की, वो हो जाएगा। और उसी के पैरेलल उसके उत्तर में जो राज्य था जर्मनी, जर्मनी भी व्यवस्था के अंदर प्रताड़ित हुआ, उसको भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो जर्मनी के अंदर भी क्या, पहले लोकतंत्र था लेकिन लोकतंत्र असफल हुआ, तो जाकर वहाँ पर जो हिटलर था, हिटलर के नेतृत्व में किसकी स्थापना होती है, नाजीवाद की स्थापना होती है। तो हिटलर क्यों आया, क्या परिस्थितियाँ हुई जिसके कारण हिटलर को लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसने किस प्रकार से इसको जर्मनी को संगठित किया, सैनिक शक्ति बनाया, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैनिक जो स्थल सेना की शक्ति वो जर्मनी की उसने बना दी, किसने, हिटलर ने। तो उसका कैसे उदय हुआ वो सारा इसमें आ जाएगा। तो प्रादुर्भाव, कारण और परिणाम दोनों के, फासीवाद और नाजीवाद के, इनके पढ़ेंगे। फिर आएगा 1900, ये जर्मनी इटली और जापान तीनों दूरी बना लेते हैं, और कुछ घटनाक्रम ऐसे आता है कि सन 1939 के अंदर क्या हो जाता है, 1939 में पापिस्ट विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और 1945 तक चलता है, और इस बार भी मित्र राष्ट्र अलग थे और दूरी राष्ट्र अलग थे। इस बार मित्र राष्ट्रों में जर्मनी इटली और जापान तीनों हो गए, जर्मनी इटली और जापान ये तो तीन हो गए एक तरफ, क्योंकि जापान भी बहुत तेजी से विकास कर लेता है। जापान जिस प्रकार इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे, अमेरिका के वगैरह उपनिवेश हो गए, लेकिन जापान के पास में इतना फायदा नहीं था, फ्रांस के भी उपनिवेश खूब ज़्यादा थे। तो जापान ने कहा कि भाई मैं क्या करता हूँ, अपने एशिया के क्षेत्र में अपने उपनिवेश बना लेता हूँ। तो उसने भी बहुत तेज़ी से प्रगति की और टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो वो भी क्या हो गया, इनका जर्मनी इटली के साथ में जुड़ गया। जब एक जैसी विचारधारा होगी तो स्वाभाविक है वो आपस में जुड़ेंगे, तो इन तीनों की विचारधारा एक जैसी हो गई और तीनों आपस में जुड़ गए। और दूसरी तरफ सारे विश्व के देश थे जो मित्र राष्ट्र के रूप में जुड़ गए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत ने भाग लिया था, भारत है जो इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में भाग लेता है, लेकिन फिर भी जो अपने नाम सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो पहले तो गए थे हिटलर के पास में, लेकिन हिटलर के पास में जाने के बाद में जब उनको जहाँ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ तो वो जापान जाते हैं, अपने फिर सिंगापुर में रास बिहारी बोस द्वारा उनको आज़ादी भोज दी जाती है जिनके माध्यम से वो संघर्ष करते हैं। तो वो सारा घटनाक्रम अपन इसमें पढ़ेंगे, दोनों के साथ युद्ध होता है, क्या परिणाम होता है वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर आता है 1945 में प्रथम विश्व युद्ध पूरा, द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हो जाता है सन अपने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को अपने नागासाकी पर दो बम गिराए जाते हैं अमेरिका के द्वारा, क्योंकि जापान ने क्या किया था, एक बंदरगाह था अपने अमेरिका का जो जहाँ पर उनके जहाज वगैरह खड़े थे उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया, पर्ल हार्बर नामक बंदरगाह। तो जैसे पर्ल हार्बर पर जापान अटैक करता है, अमेरिका भी युद्ध में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, और वो दो बड़े बम है जो किसके ऊपर गिरा देता है, जापान के ऊपर गिरा देता है, और 10 अगस्त को जापान है बिना शर्त ही क्या कर देता है, खुद को युद्ध से अलग कर देता है, और फिर धीरे धीरे है जो जर्मनी और ये भी आ जाते हैं और युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, पूरा जो मुसोलिनी भी मर जाता है, हिटलर भी मर जाता है, और फिर वापस वही संधियों वाला कार्यक्रम चलता है, और इस बार फिर एक नया संघ बनता है जिसका नाम था राष्ट्र संघ, और वर्तमान में उसके अंदर 193 सदस्य देश है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे होती है, शुरुआत में 52 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं और राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उससे पहले कौन कौन से 2-3 सम्मेलन होते हैं, अटलांटिक्स वगैरह सम्मेलन वगैरह होता है जिसमें ये अमेरिका वगैरह मिलकर ये बात करते हैं, तो वो सारा किसमें आ जाएगा अपने इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना में। तो ये राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, क्या क्या उसने अब तक कार्यवाही की है, वो सारा आ जाएगा। वर्तमान में भी राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता है क्योंकि अभी तक भी अगला विश्व युद्ध नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना, उद्देश्य, गठन और उपलब्धियां आ जाएगी। फिर आता है अपने इसमें सातवां पार्ट। सातवां पार्ट में
जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, राष्ट्र संघ भी बन गया, लेकिन विश्व के अंदर एक घटनाक्रम हो गया, दो ध्रुव बढ़ गए। दो ध्रुव कौन से बढ़ गए? जब अंत में युद्ध समाप्ति हुई तो दो शक्तियां आई, एक तो था रूस, रूस जो 1917 में खुद को युद्ध से अलग कर देता है प्रथम विश्व युद्ध से और अपनी शक्ति को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है, कौन? रूस, और बहुत ताकतवर बन जाता है। इधर अमेरिका है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो ये दोनों अमेरिका और रूस क्या हो जाते हैं? दोनों शक्तिशाली हो जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाकी देश तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों विश्व क्या, दोनों देश क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। तो रूस है अपने आसपास के देशों को अपने साथ में क्या करता है? गुटबाजी करता है, और अमेरिका दूसरे देशों को भी अपने प्रभाव में लेना चाहता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, और इन दोनों के बीच में दोनों में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, और इसीलिए ये दौर चलता है वो शीत युद्ध का दौर चलता है। शीत युद्ध का मतलब है ऐसा युद्ध जिसमें एक दूसरे को कहेंगे, बोलेंगे, युद्ध करने के लिए कहेंगे, धमकियां देंगे, पत्रों के माध्यम से बोलेंगे, समाचार जो न्यूज़ों के माध्यम से देंगे, तो एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? शीत युद्ध कहलाती है। अब इसने क्या किया, जो रूस है खुद का एकीकरण किया था 1991 में, आते थे तो क्या हो गया, रूस का हो गया, विखंडित हो गया, और इस प्रकार से रूस के विखंडन के बाद में रूस से थोड़ा कमजोर हो जाता है और दुनिया के एक शक्ति रह जाती है, वो है अमेरिका। तो शीत युद्ध, उसकी उत्पत्ति और सोवियत संघ का विघटन कैसे होता है वो इसमें पढ़ेंगे सातवें पाठ में। फिर अब उस समय दो गुट है, एक अमेरिका एक का नेता जो है पूंजीवादी, कौन सा है? पूंजीवादी, और दूसरे का नेता है रूस, और वो वहां पर कौन सी विचारधारा चलती है? मार्क्सवादी, मार्क्सवादी या साम्यवादी, कौन सी है? साम्यवादी विचारधारा। तो ये दोनों विचारधारा चल रही है पैरेलल में, लेकिन तीसरे जो उस समय नवउदित राष्ट्र थे, जैसे बात करें भारत की 1947 में भारत आजाद हुआ है, तो 1947, इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका वगैरह जो नए उदित राष्ट्र थे, वो चाहते थे कि हम न तो रूस में जाएं न अमेरिका में जाएं, हम रूस का भी सहयोग चाहते हैं, रूस का भी सहयोग चाहते हैं और अमेरिका का भी सहयोग चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसे देशों ने मिलकर क्या बनाया, एक गुट निरपेक्ष गुट, ये भी गुट है और ये भी गुट, इस गुट में भी शामिल नहीं होना, इस गुट में भी शामिल नहीं है, गुट से अलग रहना, निरपेक्ष मतलब गुट से अलग रहना, एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की। अब अपने दिमाग में आएगा भाई खुद ये मिलकर गुट बना रहे हैं तो गुट निरपेक्ष कैसे हुआ, तो इन देशों ने ऐसी कोई संधि नहीं की कि भाई तेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं तेरी सहायता करूंगा, ऐसी नहीं की, लेकिन इनके इन्होंने ऐसा गुट बनाया कि भाई हमारे ऊपर न तो रूस दबाव बना सकता है कि तुम हमारे साथ शामिल हो, और न अमेरिका दबाव बनाएगा कि तुम हमारे साथ में शामिल हो, इसी बात की इन्होंने क्या की थी, संधि की थी। तो इसमें बहुत भारत का महत्वपूर्ण रोल रहा था, नेहरू, टीटो और नासी तीन जने इसके बहुत महत्वपूर्ण रोल वाले रहे थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन उसमें भारत का क्या योगदान है वो सारा इसमें आ जाएगा। और फिर आधुनिक विश्व को चुनौतियां, वर्तमान में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, अभी भी जो अपने लॉकडाउन है इसीलिए आज अपन पढ़ रहे हैं, जो अपने घटनाक्रम हो रहा है सारा पर्यावरण को प्रदूषण के कारण और विभिन्न बीमारियों के कारण बैक्टीरिया वगैरह फैल रहे हैं, तो ये सारी पर्यावरण को चुनौतियां, और आतंकवाद है जो बहुत बड़ी चुनौती है उसका किस प्रकार से है वो सारा इसमें अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थैंक यू, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।